तो डेटा एनालिटिक्स की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा को एनालाइज करना। हमारे पास एक डेटा जो आप देख पा रहे हैं जिसमें किस पर्टिकुलर एक जून महीने का सेल्स का डेटा है कि किस डेट को किस रीजन में क्या प्रोडक्ट और क्या क्या सेल हुआ है, और मुझे इसको जो है रिपोर्ट में बनाना है, लेकिन वो भी पिवट टेबल की मदद से। तो चलिए इसको हम बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरह का रिपोर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने रिपोर्ट रख दिया। सबसे पहले तो रिपोर्ट क्या है, इसका एक होना चाहिए हेडिंग। हेडिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा रखना चाहें। इसका कोई नियम वगैरह नहीं है कि कुछ लोग सेंटर में रखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट में, कुछ राइट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स रिपोर्ट जून 2022। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर करना चाहूँ तो कलर भी कर सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। हल्का सा कलर कर दिया और इसको बड़ा करके इसको मैं इसकी कलर व्हाइट कर देता हूँ। नहीं, व्हाइट से नहीं रहेगा, ब्लैक ही रहने दीजिए, गोल्ड कर दिया। एक हेडिंग हमारी बन गई कि हमारा सेल्स रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये जानना है कि हमें किस डेट को क्या रेवेन्यू मिला है, किस डेट को हमें क्या रेवेन्यू मिला है। तो पिवट टेबल में गए और हम यहाँ पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम जाते हैं, और जाने के बाद हम रिपोर्ट पे आते हैं और इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ डेट को रखते हैं और यहाँ पे अपना हम रेवेन्यू डालते हैं। अब ये जो रिपोर्ट बना हुआ है डेट वाइज है, पूरा मंथ का है, तो मुझे डेट नहीं, हमें इसको वीक में भी कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट अगर सही नहीं दिख रहा है तो मैंने क्या किया, बोला कि भाई मंथ की जगह पे डेट, और मैंने यहाँ पे 7-7 दिन का गैप दे दिया, तो 7-7 दिन का हमारा रिपोर्ट बन के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं वीक और यहाँ पे रेवेन्यू। अब सम ऑफ रेवेन्यू नहीं, सिर्फ रेवेन्यू देते हैं, लेकिन रेवेन्यू डालने पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसके आगे एक हैश या स्पेस डाल दीजिए, क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी है इसलिए नहीं ले रहा है। अब अमाउंट आप काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम पे जाके आप इसको अमाउंट इन किए कर सकते हैं, मतलब कि 1000, ताकि समझ में आसानी से आए। ठीक है सर, अब इसको इसके ओके जो है वीक है, तो यहाँ पे हम वीक 1 2 भी कर सकते हैं, कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 भी हम कर सकते हैं। सॉरी, मैनुअली करना पड़ेगा एक, क्योंकि तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। वीक 3 था ना, वीक 4 एंड वीक 5। अब 3 को 2 के नीचे रखना है, तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके सर, अब इसकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहो तो आप इसकी ठीक ठाक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक ग्रांड टोटल की जगह पे हम टोटल कर देते हैं, तो एक रिपोर्ट हमारा बन गया। अब मुझे अगला चाहिए सिटी वाइज टोटल से, सिटी वाइज टोटल हमें कस्टमर चाहिए कि कितने कस्टमर सिटी वाइज हमें बने, राइट सर। तो अब हम दूसरा पीवट लगा रहे हैं, एक ही सीट पे हम कई सारे पीवट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब तक एक पीवट आपका कंफर्म ना हो जाए तब तक दूसरा पीवट मत यूज कीजिएगा। तो एक पिवट हमारा बन गया, इसको हमने सेलेक्ट किया एंड ओके। अब इस पे मैंने यहाँ पे लिखा रीजन और सिटी, और हमने यहाँ पे काउंट ऑफ सिटी कर दी, काउंट चाहिए कितना काउंट हुआ है इसे सिटी वाइज। ठीक है, अब सिटी को भी आप चाहो तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वगैरह में आप इसको कर सकते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे इसको कर दिया छोटा, काउंट ऑफ डिजिट, और यहाँ पे टोटल
कस्टम, ठीक है सर। और इसको ओके छोटा कर देते हैं, ग्रांड टोटल की जगह पे यहाँ पे टोटल, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसका शेयर क्या है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की कैटेगरीज है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी इसका कितना शेयर है, परसेंटेज क्या है, कि सेलिंग शेयर कितना है, मतलब क्या क्या मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब कंट्रीब्यूशन पता करना है, राइट सर। ओके तो यहाँ हम इसके जस्ट बगल में अपना एक रो छोड़ के कंट्रीब्यूशन डाल दिए। तो कंडीशन में यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी और हमने यहाँ पे रेवेन्यू ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मुझे यहाँ पे सो वैल्यू एज पे जाके कैलकुलेशन में परसेंटेज ऑफ टोटल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर कैटेगरी प्रोडक्ट और यहाँ पे शेयर, शेयर परसेंटेज और यहाँ पे टोटल, और इसकी कॉलन भी हम थोड़ा सा छोटी कर देते हैं। ठीक है सर। ओके यहाँ पे ये हो गई हमारे, अब मुझे यहाँ पे रेवेन्यू शेयर चाहिए, तो रेवेन्यू कस्टमर हो गया ना। ओके अब यहाँ पे मुझे दिखाना है कि प्रीवियस ईयर में कितना सेल था और इस ईयर में कितना सेल है, बट प्रीवियस मंथ सॉरी। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरा डेटा सिर्फ एक महीने का है ना, अगर 2 महीने का होता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन मुझे पिछले महीने की एग्जैक्ट फिगर याद है कि कितना टोटल क्वांटिटी सेल हुआ था, समझ गए सर। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम यहाँ यहीं पर रखता, नीचे रखता हूँ, और यहाँ पे हम डेट रखते हैं मंथ, मंथ को यहाँ हम ग्रुप करते हैं मंथ वाइज। ओके, यहाँ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एक ही फील्ड को कई जगह पे यूज करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों जैसे यहाँ वीक बाइज है ना, ये भी एक कंट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम डेटा के अंदर एक छोटा सा चेंजिंग करके मैं यहाँ मंथ निकाल लेता हूँ। मंथ के लिए टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, MMM, पे मंथ निकल के आ गया सर मंथ। अब इसको वापस पिवट टेबल लगाते हैं। अच्छा इसमें ऑलरेडी पिवट लगा है ना, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं कीजिए, डिलीट कर सकते हैं इसको, क्लियर कर दिया हमने पिवट टेबल, और यहाँ पे गए रिपोर्ट और यहाँ हमने इसको रख दिया, और यहाँ पे मैंने मंथ को रखा और टोटल यूनिट को रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि दो चीजें करनी है, कि पिछले महीने का जो सेल था वो देना है हमें, पिछले महीने की सेल 4,000 थी और कितना परसेंट का डिफरेंस है वो भी देना है। तो इस केस में हमने क्या किया, पिवट टेबल एनालाइज में वैल्यू फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड में हम जाते हैं, और यहां पे जून है ना, मई, मई का देते हैं,
मई, और यहाँ पे 4000 हमारा पिछले महीने का सेल था, तो इसको ऐड करके ओके कर, यहाँ पे 4000 आ गया। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो कैलकुलेटेड फील्ड में मैं कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज, और यहाँ हमने लिया यूनिट, यूनिट माइनस हो गया है, और इसको ओके ब्रैकेट में डिवाइड बाय, परसेंटेज आ गया। अभी आया है जिसको परसेंट पे होना चाहिए, तो आप जब ओके किया था उसी समय मैं यहाँ नंबर परसेंट पे जाके इसको हम परसेंटेज कर सकते थे, परसेंटेज एंड ओ। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल यूनिट, तो यहाँ पे हमने यहाँ लिखते हैं मंथ, यहाँ लिखते हैं मई, जून, जून मई, मई तो ऑलरेडी है तो स्पेस दे दिया हमने, और यहाँ पे सम ऑफ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज ग्रोथ GR%। और इसमें आपको याद होगा मैंने क्या किया था, बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स थे ना, आइकन का इस्तेमाल कर सकते थे क्या, और मुझे इसका जो ग्रांड टोटल दिख रहा था, डबल डबल दिख रहा है, मुझे ग्रांड टोटल नहीं चाहिए, तो पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहां से टोटल एंड फिल्टर्स में ये दोनों को हटा दीजिए। अच्छा दिख रहा है सर, अब इसको लेके यस सर, अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ठीक है। यस सर, अब मैं पेज लेआउट में आता हूँ, ग्रिड लाइन वगैरह हटा देता हूँ, हट गई। अब इसको जो है मैं फॉर्मेट दे देता हूँ, ये वाले बॉर्डर की, और इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है सर। और इस थोड़ा सा इस तरह का कलर वलर करके हम और बेटर कर सकते थे इसको, और छोटा कर देते हैं इसको भी, छोटा कर देते हैं। हालांकि इसमें फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से और अच्छी तरह से की जा सकती है, लेकिन क्या है ना सर, मैं फॉर्मेटिंग करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। इसमें और भी इसी तरह की जो इंफॉर्मेशंस है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है सर, यस इसमें और इंफॉर्मेशन और क्या क्या डाल सकते हैं, अब इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि भाई टॉप 5 प्रोडक्ट मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट गया पिवट टेबल में, इसी वर्कशीट और रिपोर्ट में आया, और यहाँ पे इसके ऊपर हेडिंग्स डाल सकते हैं ना, क्या किसके लिए क्या है आखिर, तो इस तरह के हेडिंग्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया टोटल यूनिट, और यहाँ हमने फिल्टर कर दिए टॉप 5 प्रोडक्ट, यहाँ पे टॉप 5 को, ठीक है सर। सर। अब इसको लीजिए अच्छा से फॉर्मेटिंग कर दीजिए,
इसके नीचे आपका टॉप 5 ये आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी एक रिपोर्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन निकालनी थी जो कि मैंने आपको दिया था, ठीक है सर? यस सर। तो प्लीज इसको कीजिए और करके मुझे भेजिए।